हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि इंजेक्शन लगाने का सही टेक्निक क्या है और इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा इंजेक्शन कितने डिग्री पर कहां कहां लगाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। और हाँ, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। यानी दोस्तों, इंजेक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टियल, इंट्राथिकल, इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा यूज में आता है, जो तरीका जो इंजेक्शन के प्रकार ज्यादा यूज में आता है, वो है इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, सबकुटेनियस और इंट्रामस्कुलर। यानी कि जो चार प्रकार के जो इंजेक्शन के चार प्रकार है वो ज्यादा से ज्यादा यूज में आते हैं। दोस्तों, इंजेक्शन लगाने का सही तरीका और कहाँ कौन सा इंजेक्शन लगाने से पहले हमें स्किन का लेयर जान लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारे स्किन में कितने लेयर होते हैं, अभी बात करते हैं। जैसे देखिए, लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। दोस्तों, हमारे स्किन में चार लेयर होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस टिश्यू और मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, वो एपिडर्मिस लगाया जाता है, यानी कि हमारे स्किन के सबसे ऊपरी ऊपरी वाले भाग में। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इंजेक्शन जो है, इसमें इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, 10 से 15 डिग्री पे ही उसको लगाया जाता है, ताकि तभी ये स्किन में बढ़िया से लगेगा। और इसमें क्या क्या इंजेक्शन लगता है दोस्तों, इसमें कोई एलर्जी की जांच अगर करनी है तो वो लग सकता है, या फिर कोई मेडिसिन की जाँच करनी है तो वो हम एपिडर्मिस में लगाते हैं। ठीक है, दूसरा लेयर स्किन का क्या है दोस्तों, डर्मिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी कि हमारे वो जो बाल वाल होते हैं उसके अंदर, और ये जो है, ये इसके अंदर आर्टरी और वेन भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन को लगाते हैं, यानी कि कोई एंटीबायोटिक वगैरह देना है या फिर कोई आई फ्लूड वगैरह चाहना है तो हम लोग सीधे इसमें डर्मिस में लगाते हैं। ठीक है, और इसमें इंजेक्शन लगाने का सही तरीका क्या है, 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री में हम लगाएंगे तब जाके डर्मिस में सही से या फिर वेन में लग पाएगा। इंट्रावेनस, इसमें वेन जो होता है उसमें वेन में लगाया जाता है। ठीक है, 25 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं स्किन का जो लेयर है अगला, सबकुटेनियस टिश्यू, यानी कि इसमें हमारे दोस्तों क्या होता है, इसमें फैट होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू इसको बोलते हैं। तो इस फैट में हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, सबकुटेनियस, यानी कि सबकुटेनियस टिश्यू में सबकुटेनियस इंजेक्शन लगता है। सबकुटेनियस इंजेक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे इंसुलिन हो गया, शुगर की दवा आती है इंसुलिन, वो हमारे सबकुटेनियस टिश्यू में लगता है। और इसमें लगाने का सही तरीका है 45%, यानी कि नीडल को 45 अंश पे झुकाएंगे तब जाके ये सबकुटेनियस टिश्यू में इंजेक्शन वो सही से लग पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला स्किन का लेयर है मसल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इंट्रामस्कुलर, यानी कि जो भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि IM, यानी कि इंट्रामस्कुलर में ज्यादातर वैक्सीन लगाए जाते हैं, या फिर कोई पेनिटर भी लगाया जा सकता है, या फिर कोई टिटनेस का कोई भी टीका लगाया जाता है तो IM भी लगाया जाता है। ठीक है, ज्यादातर तो IM इंजेक्शन लगाने के लिए दोस्तों हमें 90 डिग्री पे इंजेक्शन को लगाना पड़ेगा, यानी कि इंजेक्शन को बिल्कुल सीधा करेंगे। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे मान लीजिए हमें यहाँ पे लगाना है तो इंजेक्शन सीधा ऐसे रहेगा, सीधा 90 डिग्री पे, तब जाके वो IM यानी कि मसल्स में हमारे आ सकता है। मान लीजिए यहाँ से कोई इंजेक्शन लगाना है तो ये सीधे 90 डिग्री पे आएगा, तब जाके मसल्स में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।